चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि। मनीषा निगम जी, थैंक यू सर टाइम देने के लिए। मेरा नाम मनीषा निगम है और दिल्ली तिलक नगर से मैं आज जैसा कि संविधान दिवस है और आज के दिन 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान राष्ट्रपति जी को सौंपा था, उसके लिए मैं आप सभी को उपस्थित सभी क्रांतिकारी साथियों को बधाई देना चाहती हूँ और संविधान की सभी को बहुत बहुत बधाई। जिनके जिनसे मिले हमें अधिकार हैं उनकी वजह से आज हम सब बैठकर हम यहाँ पर एक जूम मीटिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ बाबा साहब की वजह से। मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी थोड़ी सी कि आज जो हमारी महिलाएं पढ़ लिख कर बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठी हुई हैं, बहुत हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर महिलाओं को आज जॉब नहीं है, जो काम नहीं कर रही हैं। मैं उन महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये सारे अधिकार बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के तहत दिए थे, जिनको कि हमारी महिलाएं भूल गई हैं। जो वो 8 घंटे ड्यूटी करके पैसा कमाती हैं और घर अपनी एक जीवन शैली को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जी रही हैं, वो अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया था। हमारी बहनों को जो मैटरनिटी लीव दी थी वो बाबा साहब की वजह से मिली थी। हमें प्रॉपर्टी में अधिकार जो मिले वो बाबा साहब की वजह से मिले थे। महिलाओं को इतना अधिकार नहीं था कि हम ससुराल में या मायके में अपने प्रॉपर्टी के लिए अपना हक जमा सके या हमें वहां पर अधिकार मिल सके, वो हमें बाबा साहब ने दिए थे। तो मैं ये जो हमारी महिलाएं आज भी वो रूढ़िवादी व्यवस्था में पूरी तरह से लगी हुई हैं, इतना अधिकार पढ़ी लिखी होने के बाद हर जॉब कर रही है उसके बावजूद वो थोड़ा सा बाबा साहब को पढ़ने में शायद इंटरेस्ट नहीं रखती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी अगर आज भी आपने बाबा साहब को नहीं जाना नहीं पढ़ा तो जो आज आपके पास है वो कल आपके बच्चों के पास बिल्कुल नहीं होगा। जो आज बाबा साहब की वजह से आपको मिला है वो कल आपके बच्चों को बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ खत्म किया जा रहा है। इन लोगों की जो मंशा है वो संविधान को ही खत्म करने की है। जब संविधान ही नहीं होगा तो हम कहाँ होंगे, और हम नहीं होंगे तो संविधान नहीं होगा। मतलब एक दूसरे के हम लोग पूरक हैं। हमें हम जो आज स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, घर में बैठ गए हैं खा पी कर, अच्छी लाइफ स्टाइल आज हम जी रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये हमें कहीं से मिला नहीं है। सदियों से भी हमारे जो अपने जो हमारे जो खानदान था, जो हमारे जो परिवार के जो लोग थे, वो पहले से ही हमारे जो पुरानी रूढ़िवादिता को परंपराओं को ढोते आ रहे थे, और बाबा साहब के आने से पहले तो कोई संविधान नहीं मिला। तो हमारे समाज को क्यों नहीं समझ में आता कि तुम्हारी हर तरह से नींव जो खत्म करी जा रही है, आपकी जड़ें खत्म करी जा रही हैं, आपको जिससे आज इज्जत से जीने का जो अधिकार मिला है वो सब खत्म किया जा रहा है। तो हमारे समाज के लोगों को ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आज अगर हमारे पढ़ी लिखी महिलाएं सुबह शाम दीपक जला के आरती गा सकती हैं तो बाबा साहब की 2 लाइनें क्यों नहीं पढ़ सकती, समझो मेरी बहनों। मैं और जब बहने तब समझेंगी जब वो उनके साथ जो उनके लाइफ पार्टनर हैं, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है वो भी उनका बराबर का साथ देते हैं। जब वो किसी तरह की रूढ़िवादिता को फॉलो करती हैं तो वो उनका पूरा पूरा साथ देते हैं। तो अपने घर की महिलाओं को समझाओ भाई कि संविधान ही सब कुछ है हमारा, संविधान से मिले अधिकार ही सब कुछ है। अगर वो खत्म तो समझ लो सब कुछ खत्म। आप आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाओगे, उनके लिए गुलामी छोड़ के जाना चाहते हो या उनके लिए बाबा साहब के दिए हुए अधिकार को छोड़कर जाना चाहते हो, ये सब आप सब पे डिपेंड करता है। मैं ज्यादा ऐसा इतना बोलने के लिए नहीं आई थी, मैं सिर्फ ये दिल्ली और NCR से जुड़े हुए लोगों को मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि 28 तारीख को आज 26 आज के दिन हम 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस मनाते थे, उसकी जगह आज दिल्ली में हम लोग 28 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के लिए जो शांति स्तूप है ये सराय काले खां के पास बस अड्डे के पास है,
वहां पर सभी लोग 11 तारीख को इकट्ठा होंगे। ये एक तरह से परिवार मिलन की तरह ही हम लोग पिकनिक की तरह इसको मनाएंगे और संविधान दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरा सभी दिल्ली और एनसीआर से लोगों से जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नातेदारों को भी साथ में लाए ताकि वो देखें कि भाई ये समण समाज यहाँ पर क्यों इकट्ठा हो रहा है और विदा पीपल क्या काम कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं क्या है, जाते हैं घूम फिर के आ जाते हैं, भाई इनके पास तो वेले हैं, इनके पास टाइम की कमी नहीं है, हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम नहीं जा सकते। अरे आओ देखो तो सही समण समाज कितना स्ट्रगल करने पर लगा हुआ है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी बच सके। 28 तारीख को आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, अपने पड़ोसी रिश्ते नातेदार को जरूर साथ में लाएं और एक अपने लिए जो अपना खाना अपना पीना अपनी दरी खेलने का जो भी आप सामान लाना चाहते हैं वो लाएं, खाना आपने जो लाना है वो लाएं, ऐसा नहीं है कोई पाबंदी नहीं है कि आपने वही लाना है। क्योंकि हम संविधान दिवस सेलिब्रेट करेंगे उसमें आप कुछ भी ला सकते हैं और साथ में अपनी जो संविधान से अगर हम संविधान की जो बातें हैं अगर हर कोई दो दो लाइनें अगर बोलना चाहे वहां पर हम लोग बात करेंगे डिस्कस करेंगे आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे परिवार से मिलेंगे जुलेंगे तो हम हमारा एक दायरा बढ़ेगा बिल्कुल जो क्योंकि हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते नहीं पहचानते। तो इस तरह से भी हम अपने विद पीपल के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से एक ये नई लाइन है, नई शुरुआत भी हो सकती है। जो नए लोग आएंगे तो वो वहां पर हम लोग उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे हम पारिवारिक रिश्ता बना सकते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता हम जो बनाने का जो शुरुआत की है वो भी हो सकता है हमारा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और उसका जो टाइम है हमारा 11 बजे से और 3 बजे तक का टाइम है तो उस बीच में आप सभी लोग आए और संविधान दिवस भी सेलिब्रेट करेंगे, परिवार मिलन समारोह भी करेंगे और आपस में पिकनिक भी एंजॉय करेंगे। बस मैं यही दिल्ली एनसीआर वालों को बोलना चाहती थी। बाहर वाले भी आ सकते हैं अगर जो जहाँ से आना चाहे उनका भी वेलकम है दिल्ली में। बाकी ठीक है, आप सभी को वंस अगेन संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नेक्स्ट की वी द पीपल के लिए आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रचार करें प्रसार करें, लोगों को समझाएं क्या है क्यों है, आई क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सुनने के लिए उनको प्रेरित करें। अगर कोई हमारा साथी को जुड़ता है तो उसको कॉन्सेप्ट सुनने तक जरूर उनको रोकने का प्रयास करें ताकि वो सुने तभी वो समझ पाएंगे और तभी आगे हमारा ये कारवां बढ़ेगा। जी आपने मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयं पि सङ्गं शरणं